हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने आरसी सर्किट के बारे में देखा था और उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट भी डिस्कस किए थे। मैंने ये बताया था कि जब भी क्या होगा, व्हेन एवर वी कनेक्ट एनी चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर थ्रू क्या होगा बैटरी, देन क्या होगा यदि उसके सीरीज में रजिस्टर होगा, इसका काम क्या होता है कि चार्ज को क्या करना स्लोप क्या करना चार्ज को लिमिट करना स्लो प्रोसेस से क्या करना चार्ज को क्या करना कैपेसिटर पे ट्रांसफर करना। यदि देखोगे कि आप यदि आर जीरो हो जाएगा, हम देखेंगे अभी कि आर यदि हम जीरो कर दें तो एज सुन एज वी कनेक्ट द बैटरी कैपेसिटर विल चार्ज अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगा अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम एसटीडी स्टेट चार्ज बोलते हैं या लिमिटिंग वैल्यू, उससे ज्यादा है चार्ज। जैसे ही हम क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे, यहां देखोगे कि आर को हम जीरो कर देंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा। तो आर का काम क्या है कि करंट के फ्लो को चार्ज के फ्लो को क्या करना स्लो करना है ना। जैसे ये क्या है, ये नहीं है सर्किट में, तो क्या हो रहा है जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया वैसे ही क्या हुआ कैपेसिटर इंस्टेंटली कैपेसिटर फुल चार्ज, जो चार्ज है जितना उसकी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की उसको क्या क्या स्टोर कर लिया। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे रहे हैं तो क्या करता है चार्जिंग प्रोसेस को क्या कर देता है स्लो कर देता है ना। क्या करता है चार्जिंग प्रोसेस को क्या करता है स्लो कर देता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब हमने क्या किया टी इक्वल टू जीरो पे इस स्विच को हमने क्या किया है कनेक्ट किया है तो क्या होगा चार्ज क्या होगा फ्लो होना शुरू होगा। जैसे हमने बताया था इधर क्या होगा क्यू चार्ज और इधर ही क्या होगा करंट का डायरेक्शन होगा आई, जो हमने देखा भी था। तो हमने देखा था कि किसी टाइम टी कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो क्या क्या होता है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्यू नॉट क्या है स्टेडी स्टेट चार्ज या मैक्सिमम चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है एक्सपोनेंशियली क्या होता है इंक्रीज करता है, क्या होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। हम लोगों ने देखा था कि 63% चार्ज होता है वन टाइम कांस्टेंट में क्या होता है 63% चार्ज क्या होता है स्टोर हो जाता है इनिशियली कैपेसिटर स्टोर्ड चार्ज फास्टली आफ्टर सम टाइम द स्टोरी द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग क्या होता है बिकम स्लो हो जाता है क्या हो जाता है स्लो हो जाता है, ठीक है। यही हुआ कि क्या करते हैं इनिशियली यदि अपने को भूख लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे बहुत तेजी से खाना खाते हैं और जैसे ही क्या होता है भूख थोड़ा सा कम हो जाता है तो हम स्लो स्लो खाते हैं। तो वही है इनिशियली क्या है कैपेसिटर भूखा है ना, इसको बहुत भूख लगा है। तो जैसे ही आप क्या करोगे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो शुरू में क्या करेगा ये चार्ज को क्या शुरू में क्या करेगा चार्ज को क्या करेगा चार्ज इसके लिए क्या है खाना है। तो क्या कर रहा है चार्ज को शुरू में फास्ट स्टोर करेगा और बाद में क्या हो जाता है वन टाइम कांस्टेंट टू थ्री फोर टाइम कांस्टेंट के बाद बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाता है। बोला कि नहीं यार अब नहीं खाऊंगा, अपने को खाने का मन नहीं है, ठीक है। बाद में ऐसे होगा कि स्टेडी स्टेट के बाद यदि आप इसको कुछ भी करो है ना, जब ये पूरा खाना खा लेगा, पूरा खाना खाने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जितनी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है उतना चार्ज स्टोर कर लेगा। तो उसके बाद बैटरी कनेक्ट हो या नहीं कनेक्टेड हो ऐसे बिहेव करेगा कि सर्किट में कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे वन बाय वन। तो उसके बाद हमने वीसी देखा था, तो क्या होगा देखो वीसी क्या है पोटेंशियल अक्रॉस द क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर, ठीक है। तो क्यू नॉट अपॉन सी इंटू क्या है आप देखोगे कि टी इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल इसके टी इक्वल टू जीरो पे देखो टी इक्वल टू जीरो रखो तो वीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इनिशियली कैपेसिटर विल बिहेव लाइक क्या है शॉर्ट सर्किट। और क्या है इनिशियल टी इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है क्योंकि चार्ज जीरो है ऑब्वियसली जीरो होगा क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी, तो वी इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई सी, तो क्यू ये जीरो है तो ऑफकोर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है डेवलप होता है। और एट द सेम टाइम आप देखोगे कि पोटेंशियल अक्रॉस क्या है रेजिस्टर, इनिशियली क्या है T इक्वल टू जीरो पे क्या है कि कैपेसिटर जो ईएमएफ का ईएमएफ बैटरी है ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया है, पूरा बैटरी जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा अपीयर हो जाएगा। तो एट T इक्वल टू जीरो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर विल बी क्या होगा मैक्सिमम
एंड इट विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी। तो T इक्वल टू जीरो पे क्या है, कैपेसिटर जो है वो क्या है, उसका EMF क्या है, आई मीन कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, जीरो है। रेजिस्टर के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे क्या होगा, टाइम क्या होगा, निकलता जाएगा, आई मीन एज सून एज टाइम विल पास, है ना, दो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीजेस नॉन लिनियरली आई मीन एक्सपोनेंशियली, व्हाइल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स विल क्या होगा, डिक्रीजेस। सो दैट द सम ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि EMF ऑफ द बैटरी क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये जिस तरह बढ़ेगा उसी तरह ये को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कि दोनों का सम ऑलवेज क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए। तो यहां क्या होगा, एक जब क्या होगा कि यही ऐसे मैंने लिखा है, देखो at t equal to 0, vc equal to 0, vr equal to क्या होगा, v। तो as charge increases, vc increases and vr क्या होगा, decreases and vice versa। at t equal to 0 or steady state or after long time of closing the switch, vr क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और vc क्या हो जाएगा, maximum हो जाएगा and this will be equal to क्या होगा, EMF of the क्या होगा, battery। तो at t equal to 0, at t equal to infinity, resistors connected in series with the capacitor will behave like a short circuit. I mean, behave like just a conducting wire. तो हम क्या करेंगे कि जो सीरीज में कैपेसिटर के सीरीज में रेजिस्टर कनेक्टेड है उसको हम क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग वायर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि मैंने यहां दिखाया है कि यहां रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है, एक कंडक्टिंग वायर से क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। I mean क्या होगा, t equal to 0 पे आप देखो, t equal to infinity पे क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट, देखो यहाँ t equal to 0 पे क्या है, करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज जरूरी है आपको, क्योंकि जब हम सर्किट क्या करेंगे, सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो तीन ही स्टेट होगा, एक तो इनिशियल स्टेट पूछा जाएगा, एक ट्रांजिएंट स्टेट जो मैंने बताया था कल, और एक स्टेडी स्टेट या लॉन्ग टाइम आफ्टर द क्लोजिंग स्विच, और क्या है, t इक्वल टू इन्फिनिटी। तीन तरह से उसमें आपको उलझाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टाइम, देखो रियल में कोई चीज इन्फिनिटी नहीं होता है, जैसे हमने RC जो है, यहाँ का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि ये जो टाइम होना चाहिए क्या होना चाहिए, RC से क्या होना चाहिए, मच क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, RC से क्या होना चाहिए, मच ग्रेटर होना चाहिए। तो आपको माइंड में रखना है कि 10 टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ लिख लेना है कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा, ये भी आप लिख लेना। तो ये चीज है, देखो ये मैंने इसलिए समराइज किया है कि आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग भी है और आसान भी है। यदि आप लॉजिक समझ जाओगे तो बहुत ही आसान होगा, और हमेशा जेईई मेंस और एडवांस में इसे RC सर्किट हुआ, आगे हम पढ़ेंगे LR सर्किट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे कि t स्टेडी स्टेट और t इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब क्या होगा। देखो स्टेडी नोट में हम लिख लेंगे इसको कि स्टेडी स्टेट और क्या होगा, स्टेट और t इक्वल टू इंफिनिटी means t is much greater than क्या होगा, tau greater than क्या होगा, RC। I mean ये सोचो कि t equal to क्या हो जाए, t is greater than equal to क्या होगा, 10 RC हो जाए, तो हम क्या मानेंगे कि कैपेसिटर जो है क्या है, स्टेडी स्टेट में चला गया है, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर विल भी क्या होगा, एक कंडीशन आपको यूज करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया, देखो यहां से ध्यान से मैं लिख देता हूं, एक जगह सबको लिख देता हूं, देखो नोट में पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट फिर से मैं लिख देता हूं, क्या होगा कि एट क्या होगा, एट टी इक्वल टू जीरो, वी सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, वी आर इक्वल टू क्या होगा, वी, आई मीन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और इस सिचुएशन में आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई ये विल भी क्या होगा, मैक्सिमम, और क्या होगा, वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। थर्ड केस में, थर्ड में क्या लिखना है कि एट क्या होगा, एट t
टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, वी सी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, एंड वी आर क्या हो जाएगा, जीरो, आई आर भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, माइंड में रखना है, सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा इसके बारे में हम देखेंगे, और फिर प्रॉब्लम हम देखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या है, प्रॉब्लम है। थ्योरी बस इतना ही है कि कैपेसिटर किस तरह बिहेव करता है, ये आपको पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, टाइम कांस्टेंट, आई मीन कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे हम, कैपेसिटी टाइम कांस्टेंट, आई मीन टाउ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आर सी। अब देखो पहले इसका मीनिंग समझो कि क्या होता है, पहले तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट से क्या मिलेगा आपको, है ना। तो क्या है, हमने बताया था कि द टाइम आफ्टर विच क्या होगा, द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, द टाइम, टाइम आफ्टर विच कैपेसिटर स्टोरेज 63% चार्ज, द टाइम आफ्टर विच द कैपेसिटर स्टोरेज स्टोर है ना स्टोर 63% चार्ज ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। ये हमने देखा था, ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम आफ्टर विच द कैपेसिटर स्टोर 63% चार्ज ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका ये तो डेफिनेशन हुआ, डेफिनेशन का भी इसका इंपॉर्टेंट क्या है आरसी का, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ आरसी, ये सिग्निफिकेंस ऑफ आरसी, टाइम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट क्या है, ये चीज ध्यान में रखना है ना। तो यहां हम क्या पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑफ क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम कांस्टेंट, आई मीन कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटिव टाइम, अब देखो मैं यहां दो सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, देखो तुमको यहां से मालूम चल जाएगा, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे। एक में हमने क्या किया कि रजिस्टर नहीं रखा है, आई मीन यहां बोल सकते हो कि आरसी क्या है, यहां बोल सकते हो, देखो यहां हमने क्या किया टी इक्वल टू जीरो पे, तो जब आप देखोगे यहां टाइम कांस्टेंट क्या है, टी इक्वल टू क्या है, जीरो, जीरो है ना। ठीक है, क्या है, टाइम कांस्टेंट जीरो है, ये सी हुआ और ये क्या हुआ भी, तो यहाँ देखोगे कि डायरेक्ट क्या होगा, क्यूनिट चार्ज क्या होगा, सी भी चला जाए। दूसरा सर्किट ड्रॉ करोगे आप, यहाँ क्या है आपको ये मालूम चल जाएगा, इसलिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि आपको मालूम चले। यहाँ हमने क्या किया, टी इक्वल टू जीरो पे कनेक्ट किया स्विच, ये क्यू फ्लो हो रहा है, इधर आर है ना, आर दिया, तो यहाँ टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, आरसी। अब दोनों का यदि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ या सॉरी चार्ज स्टोरेज बाय द कैपेसिटर वर्सेस टाइम ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, ये क्या है फिगर, फिगर वन, और ये क्या है फिगर टू, फिगर ए एंड फिगर बी। तो देखो फिगर ए के लिए आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहां से मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो ये क्या है, इधर टाइम, ये हमने फिगर ए के कॉरेस्पोंडेंस ड्रॉ किया है, और यहाँ हमने क्या है चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने स्विच कनेक्ट किया उसके बाद ये स्टेडी स्टेट चार्ज क्या हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे,
स्टेडी स्टेट चार्ज। ये फ्रॉम फिगर फर्स्ट क्या है, इस फिगर को हमने कंसीडर किया है, यहाँ ईएमएफ हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जहाँ टाउ क्या है, ये टाउ इक्वल टू हमने क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या है, जीरो है। दूसरा यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ध्यान से, तब आपको मालूम चलेगा कि दोनों में क्या है डिफरेंस, एक क्यू और एक क्या है, यहाँ टी इक्वल टू क्या है, आर सी है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग भी पढ़ेंगे, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब क्या होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, मोर स्लोली कैपेसिटर विल स्टोर चार्ज, एंड क्या होगा वाइस वर्सा, जितना क्या होगा चार्जिंग में बता रहा हूं, बाद में डिस्चार्जिंग भी आपको समझ में आ जाए, तो क्या होगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या होगा कैपेसिटी टाइम कांस्टेंट, मोर स्लोली कैपेसिटर विल चार्ज एंड डिस्चार्ज, क्या होगा चार्ज जो होगा क्या होगा कैपेसिटर, जो चार्जिंग प्रोसेस होगा वो क्या होगा स्लो होगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस भी क्या होगा स्लो होगा। यहाँ देख सकते हो कि स्टेडी स्टेट अचीव करने में कुछ टाइम लग रहा है, आई मीन इवन 10 टाइम कांस्टेंट लग जाएगा, लेकिन यहाँ देखो कि जैसे ही आपने क्या किया स्विच कनेक्ट किया, वैसे ही क्या हुआ कैपेसिटर जो है जितना चार्ज स्टोर करना था उतना क्या हुआ स्टोर कर लिया, तो ये डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या होगा ग्रेटर द क्या, आई मीन टाइम कांस्टेंट का काम क्या होता है कि चार्जिंग प्रोसेस को क्या करता है स्लो कर देता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, क्या लिख सकते हैं ग्रेटर द क्या होगा द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट आरसी मोर स्लोली स्लोली कैपेसिटर विल चार्ज और क्या होगा डिस्चार्ज, क्या होगा कैपेसिटर विल चार्ज और क्या होगा डिस्चार्ज, कैपेसिटर विल क्या होगा चार्ज एंड क्या होगा डिस्चार्ज, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट आई मीन आरसी क्या होगा मोर स्लोली कैपेसिटर विल चार्ज एंड क्या होगा एंड डिस्चार्ज एंड वाइस वर्सा, आई मीन हम बोल सकते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस जो क्या होगा स्लो हो जाएगा, आई मीन हम लिख सकते हैं कि टाउ क्या होगा इंक्रीजेस चार्जिंग प्रोसेस, क्या होगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस, डिस्चार्जिंग प्रोसेस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ये याद रखना। बोलो कि सर टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं और फिर हम प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट क्या होगा बड़ा होगा, वैसे जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से, दो सर्किट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक डायग्राम, एक एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक सर्किट ये है जिसमें एक कैपेसिटर है सी वन, एक रेजिस्टेंस आर वन और यहाँ ईएमएफ क्या है दिया हुआ है। अब क्वेश्चन मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, ठीक है, इसमें ए टी इक्वल टू क्या है जी, ए वी है, ए आर वन सी वन है, ये फिगर क्या है। दूसरा एक डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, दूसरे तरह से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, टी इक्वल टू जीरो आर टू सी टू और क्या है ये फिगर क्या है, और दोनों का ग्राफ दिया हुआ है दोनों केस में, आई मीन फॉर फिगर ए एंड बी, आपको बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देख करके आपसे पूछा जाए एंड राइट डाउन सम इंफॉर्मेशन, है ना, क्या हो सकता है यदि दिया हुआ है, देखो ध्यान से इसके कोरस्पोंडेंस क्या है, क्यू वर्सेस क्या दिया हुआ है, दो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, या Q क्या
टाइम दो ग्राफ ड्रॉ किया गया। ये कभी कभी देखो ग्राफ दे देगा और पूछा जाएगा आपसे कि इंफॉर्मेशन बताओ, एक प्रोसेस ये हुआ दूसरा, ठीक है। तो क्यू वर्सेस क्या है टाइम करिस्पॉन्डिंग टू फिगर क्या है ए एंड बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा, कुछ ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको ये बताना है कि इसको ग्राफ दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाए कि नहीं, आप क्या करो कुछ इंफॉर्मेशन बताओ। कुछ ऑप्शन दिया जाएगा कि v1 = v2 है ना, r1 = r2, c1 c2, क्या है आपको रिलेशन बताना है। तो हम यहाँ मैं लिख देता हूँ देन क्या है, देन फाइंड क्या है, k में क्या है रिलेशन बिटवीन क्या होगा बिटवीन c1 एंड क्या होगा c2। बी में लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन क्या होगा, या मैं यहाँ v1 v2 भी लिख देता हूँ, चलो आसान और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। रिलेशन बिटवीन c1 क्या होगा, सॉरी v1 एंड v2। सी में लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन r1 एंड क्या होगा r2। अभी ये ग्राफ दिया हुआ है, बाद में करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहेगा, तो पहले हम इसी को डील करते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे दूसरा भी ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या दिया हुआ है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको होमवर्क लिख लेना तुम लोग i vs t। तो एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है और दूसरा ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ भी क्या है, यहाँ टी, यहाँ क्या है आई वर्सेस क्या है टी ग्राफ, ठीक है। तो आपको इससे भी क्या करना है इंफॉर्मेशन बताना है, लेकिन मैं फर्स्ट बता देता हूँ, सेकंड आप खुद से ट्राई करना और मुझे आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो कई बार एक ग्राफ दिया रहेगा और इसी से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो करंट का भी ग्राफ मैंने बताया, सॉरी करंट नहीं हुआ, यहाँ होगा, मैंने गलत बता दिया, ln i का ग्राफ होगा। तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा 0, ln i0, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ग्राफ देखने से मालूम चल रहा है कि देखो पहले स्टेडी स्टेट को कौन गया है, देखो तो कौन पहुंचा है स्टेडी स्टेट को, क्या है ये वाला, ये ग्राफ मैं यदि फर्स्ट बताऊं, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूं, वन, और इसको क्या है सेकंड। तो क्या है फर्स्ट केस में, क्या है इसमें, क्या है कैपेसिटर जो है क्या है पहले स्टेडी स्टेट को क्या है पहुंच गया। ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे भी डील कर सकते हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अब देखो क्या है, पहले तो स्टेडी स्टेट चार दोनों के लिए क्या है सेम है, तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि स्टेडी स्टेट चार्ज फॉर क्या होगा, फॉर बोथ कैपेसिटर्स आर क्या होगा आर इक्वल, हम बोल सकते हैं कि q01 = क्या होगा q02, सही है। अब स्टेडी स्टेट चार्ज कितना होता है आपको मालूम है v × c, तो क्या होगा देखो तो v1 c1 = क्या होगा v2 c2। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मालूम चल गया। अब यदि दोनों का EMF सेम होता तो v1 = क्या होता v2 c1 = c2 नेसेसरी है कि होता। अभी एक फर्स्ट पॉइंट मालूम चल गया, मैंने बताया था कि देखो तो चार्जिंग प्रोसेस किस में फास्ट हो रहा है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट में क्या है चार्जिंग प्रोसेस क्या हो रहा है फास्ट हो रहा है, और सेकंड में क्या है चार्जिंग प्रोसेस क्या हो रहा है स्लो हो रहा है, क्या है चार्जिंग प्रोसेस क्या हो रहा है स्लो हो रहा है। तो ये आप इसमें हम एक चीज और इसमें सोच सकते हैं, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके टर्म में दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है ग्राफ, ऐसे मान लो कि ये क्या है फिगर वन के करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है और ये क्या है फिगर टू के करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है तो हमने मान लिया कि फिगर वन और फिगर टू के करस्पॉन्डेंस क्या है ये ग्राफ दिया हुआ है। नितिन इसको बंद कर देना, ठीक है।
है ना। अब देखो फ्रॉम देखो तो ये मालूम चल रहा है कि कैपेसिटर जो C1 है, क्या है C1 जो है वो क्या है, फास्ट चार्ज हो रहा है ना, ये मालूम चल रहा है ना। दूसरे तरह से भी हम सोच सकते हैं, देखो एक टाइम मान लो कि ये हमने मान लिया कि t इक्वल टू t नट पे, देखो तो क्या लिखो, q1 लिखो, q1 इक्वल टू क्या होगा, q0 इंटू 1 माइनस e के पावर माइनस t अपॉन tau1, q2 इक्वल टू क्या लिखो, q0 इंटू क्या होगा, 1 माइनस e के पावर माइनस t अपॉन क्या है, tau2। समझ में आया ना, ये देखो एक तो मेथड ऐसे भी है, दूसरे तरह से मैं मैथ से बता देता हूँ। देखो सेमी टाइम पे चार्ज किस पे ज्यादा है, फिगर 1 के कोरस्पॉन्ड है, C1 कैपेसिटर पे क्या है, चार्ज ज्यादा है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन क्या है, Q2। इसको जब सॉल्व करोगे देखो Q1 Q2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला टर्म इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि e के पावर माइनस t अपॉन tau1 इज लेस देन क्या है, ठीक है, e के पावर माइनस t अपॉन क्या है, tau2। यही है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। देखो ये लॉन्ग मेथड मैं बता रहा हूं, नहीं तो अभी मैंने बताया था कि ग्रेटर द क्या होगा, वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट है ना, क्या होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, मोर स्लोली कैपेसिटर विल चार्ज एंड वाइस वर्सा। तो यहां से हम देख करके बता सकते हैं कि tau1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, tau2। कुछ सोचना ही नहीं है, यही आंसर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फास्ट क्या हुआ, फास्ट चार्ज हुआ, सॉरी यहां मैंने गलत बोल दिया, tau2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, tau1, ठीक है, यहां से मालूम चल जाएगा। आई मीन क्या लिखेंगे, r2 c2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, r1 c1, यही आएगा। देखो अभी हम देखते हैं यहां से, अब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, log टू द बेस e लिख लें, तो क्या लिखेंगे, ln क्या लिखेंगे, e के पावर माइनस t अपॉन tau1 इज लेस देन क्या होगा, ln e के पावर माइनस t अपॉन tau2। यहां लिख सकते हो माइनस, ठीक है, t अपॉन tau1 इज लेस देन क्या होगा, माइनस t अपॉन क्या होगा, tau2। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सॉरी t0 लिख लेना, t0 मैंने माना था, ठीक है, आप यहां t0 लिख लेना, क्योंकि t0 मैंने कंसीडर किया था, ठीक है, तो यहां भी हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहां देखो tau1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, t0 अपॉन क्या हो जाएगा, tau2। अब ये कैंसिल हो गया, तो यहां से मालूम चल गया कि tau2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, tau1। तो यहां से क्या हुआ, r2 c2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, r1 c1। ये मालूम चल गया आपको, देखो यहां से मालूम चल गया, है ना, मालूम चल गया ना। मैंने बताया था, नोट भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट मैंने मैथ से इसको प्रूव किया कि ऐसे भी आपको दिखे, ठीक है। यहां से ये मालूम चल गया कि जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, स्लोली क्या होगा, चार्ज होगा। तो ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, बी के कोरेस्पोंडेंस, फिगर बी के कोरेस्पोंडेंस जो कैपेसिटर होगा उसके कोरेस्पोंडेंस जो टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ अदर कैपेसिटर, ठीक है, सर्किट RC सर्किट। तो ये अपने को मालूम चल गया कि R2 C2 is greater than क्या होगा, R1 C1। तो एक एग्जांपल और भी यहां से मालूम चल गया, नोट में मैं लिख देता हूं फिर से, ठीक है, कि ग्रेटर द क्या होगा, टाइम कांस्टेंट, अगेन मैं लिख देता हूं क्या होगा, ग्रेटर द क्या होगा, द टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट मोर स्लोली कैपेसिटर विल क्या होगा, विल गेट चार्ज एंड वाइसे वर्सा, ठीक है, क्या होगा, वाइसे वर्सा। अब करंट का जहां तक बात है तो मैंने बताया था, देखो मैं लिख देता हूं, तो ये आपसे आपको मालूम चल गया, पहले से क्या मालूम, C1 V1 क्या होगा कि C2 V2 एक रिलेशन ही मालूम चल गया। दूसरा भी हमने देखा था कि R2 C2 इज ग्रेटर देन क्या है, R1 C1, तो यहां लिख सकते हैं C2 अपॉन C1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, R1 अपॉन क्या होगा, R2। और यहां से लिख सकते, देखो C2 अपॉन C1 या एक रिलेशन ये भी मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा, C2 अपॉन C1 इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R2।
तो ये रिलेशन ऑप्शन दिया रहेगा और आपसे क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखो, ठीक है। करंट वाला जो है खुद से फिर अगेन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन करंट वर्सेस क्या है, एल एन, एल एन आई वर्सेस क्या है, टाइम ग्राफ दिया रहेगा और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें इस टाइप का ऑप्शन दिया रहेगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल एग्जाम्पल पहले आप सोचो, फिर हम आएंगे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल और देखो दिया हुआ है, क्या है कि पहले इस सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, और ये बैटरी है, ये मान लो कितना है 10 ओम दिया हुआ है ना, 10 ओम, और ये मान लो कि 2 माइक्रोफेरेड है, और ये 20 वोल्ट बैटरी दिया है। टी इक्वल टू जीरो पे हमने क्या किया, वो स्विच कर दिया है ना, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड फर्स्ट में पूछा जाए कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द क्या होगा स्विच। ये पहला क्वेश्चन होगा, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया उसके जस्ट बाद आपको क्या बताना है, करंट भी पूछा जा सकता है, चार्ज भी पूछा जा सकता है, सब चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है, फाइंड क्या होगा करंट एज वेल एज चार्ज, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है ना, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एज वेल एज चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच। दो क्या है, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच। अब ये थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम डी, क्या पूछा जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम डी, ठीक है। ये तीन क्वेश्चंस दिया हुआ है, सिंपल सर्किट है। अब आपसे मैंने जो नेचर बिहेवियर बताया था कि कैपेसिटर जो होगा वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, उसी को आपको सोचना है। तो पहले मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि देखो यहां दिया हुआ है क्या कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जस्ट आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि टी इक्वल टू जीरो ही हम कंसिडर करेंगे, कि जैसे ही हमने स्विच को कनेक्ट किया, स्विच को क्लोज किया, उसके जस्ट बाद करंट जो होगा वो कितना सर्किट में फ्लो होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा था कि क्या होगा कि एट टी इक्वल टू जीरो वीसी इक्वल टू क्या है, जीरो है, था ना, पढ़ा था हमने, या रिजल्ट देखना तो दैट इज क्या है कि एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए क्लोज स्विच। टी इक्वल टू जीरो रिप्लेस कैपेसिटर बाय ए कंडक्टिंग वायर। सिंपल क्या करना है, कंडक्टिंग वायर से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, कंडक्टिंग वायर से क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। तो हमने क्या किया कि अब देखो सर्किट इधर ड्रॉ कर देता हूं कि टी इक्वल टू जीरो का सर्किट है ना, यही क्या हुआ, कैपेसिटर को हमने क्या किया, क्लोज स्विच से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय क्लोज स्विच।
ठीक है, ये आर आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, और ये बैटरी कितना है 20। अब ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा, और यही क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, आपको याद रखना। तो यहाँ देखो सिंपल ओम्स लॉ यूज करोगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा, और वी कितना है 20/10, आई मीन क्या हुआ 2 एम्पियर करंट क्या होगा सर्किट में फ्लो होगा। ठीक है, ये अपने को मालूम चल गया। यदि आपसे कोई पूछे कि टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखो तो अब क्यू क्यू इक्वल टू हम सी वी सी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू सी वी सी, क्यू इक्वल टू सी वी सी। ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया कब, एट टी इक्वल टू जीरो पे, इसलिए क्यू इक्वल टू भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। आई मीन चार्ज स्टोर बाई द कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो क्या होगा, विल भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसके बाद अब दूसरा मैंने बताया था क्या, सेकेंड कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ स्विच क्लोजिंग स्विच, क्या है आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच, दैट इज एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। तो इस सिचुएशन में देखो तो क्या है, वी आर क्या है जीरो है ना, और वी सी इक्वल टू क्या है वी, यही है ना, वी सी इक्वल टू क्या मालूम चल गया, वी हमने बताया था, दैट इज मैंने ही बताया था कि एट क्या होगा वी आर इक्वल टू जीरो, वी सी इक्वल टू और आई आर भी क्या होता है जीरो हो जाता है। ठीक है, यही बताया था, आई मीन क्या होगा कि ये टी इक्वल टू जीरो का डायग्राम था। अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डेंस जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, दो चीज हमेशा याद रखना है, तो देखो ये ऐसे कुछ सर्किट हो जाएगा। यही हो जाएगा, ठीक है, ये स्विच है, ए आर, तो आर आर इज क्या होगा, आर इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वायर। कब, जब टी इक्वल टू जीरो, ये सी हो गया, ए भी हो गया, यही क्या होगा इस केस में मैक्सिमम चार्ज होगा क्यू नट। तो यहां से क्या मालूम चल गया, देखो क्या मालूम चल जाएगा आपको, ये कब का है टी इक्वल टू इन्फिनिटी का है, तो यहां से क्यू नट इक्वल टू क्या होगा सी इंटू वी। अब देखो स्टेडी स्टेट मालूम चल गया आपने को, ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैंने बता दिया है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि इसमें करंट क्या हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है आई इक्वल टू क्या हो रहा है जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो करंट जीरो हो जाएगा, तो वी इक्वल टू आई आर, वी आर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वी आर भी क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है, तो ये कब का है, स्टेडी स्टेट कंडीशन का सिचुएशन है। अब देखो यहाँ एक और टाइम आपको मैं बता रहा हूं कि अब अपने को क्या मिल गया आरसी, अब देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टेडी स्टेट चार्ज मिल गया, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा क्यू नट इंटू 1-e^-t अपॉन क्या होगा टाउ, और यहाँ टाउ इक्वल टू क्या है आरसी। तो लिख सकते हो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू, देखो तो क्यू नट कितना हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम है ना, इंटू 1-e^-t अपॉन टाउ। यही क्या हुआ, किसी टाइम टी कैपेसिटर पे क्या हुआ चार्ज ऑन एनी टाइम क्या होगा टी, ये मालूम चल गया। अब हम क्या करें, देखो हम क्या करें, कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम दो तरह से सॉल्व करते हैं, एक तो किरचॉफ्स लॉ यूज करो, दूसरा मेथड ये है कि देखो चार्ज लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, स्टेडी स्टेट चार्ज चाहिए और क्या चाहिए टाइम कॉन्स्टेंट चाहिए, और जब भी टाइम कांस्टेंट मिल गया स्टेडी स्टेट चार्ज मिल गया तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, तो आसानी से क्या हो जाएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और न्यूमेरिकल देखो, हाँ तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट, यहाँ मेथड लिखना कि मेथड क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम
कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप क्या है कि रिप्लेस, क्या होगा फर्स्ट स्टेप क्या है, रिप्लेस रिप्लेस बैटरी बैटरी बाय ए कंडक्टिंग कंडक्टिंग वायर इफ इट इज एन आइडियल। आइडियल का मतलब क्या हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये मतलब आइडियल का होता है। अदरवाइज क्या है, इफ नॉट क्या होगा, नॉट आइडियल, देन रिप्लेस रिप्लेस्ड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे देखो क्या करना है, दो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यदि क्या होगा, ये बैटरी दिया हुआ है, ये आर है, यहां भी हमने क्या किया, एक आर लिख दिया और यहां सी, ये सर्किट दिया हुआ, और ये भी ये आइडियल बैटरी है। तो अब क्या करोगे, जब आप टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे तो इसको क्या करोगे, इसका मान लो कि आर वन हुआ और ये क्या आर टू और ये सी हो गया, तो इसको क्या करना है, ऐसे रिप्लेस कर देना है, एक कंडक्टिंग वायर से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ये आर वन ये आर टू और ये क्या सी हो गया, ठीक है। हमने बैटरी को क्या किया, आइडियल था इसलिए हमने क्या किया इससे, यदि नॉन आइडियल होता कुछ इसका रेजिस्टेंस दिया रहेगा, देखो ध्यान से, तो ये क्या है आइडियल बैटरी है। यहाँ क्या है, देखो फिगर सेकंड में देख सकते हो आप, हमने क्या किया है, यहाँ नॉन आइडियल बैटरी कंसीडर करेंगे आप, यहाँ V और R दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां जो देखो ये R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे लिखा रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपको टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यदि आइडियल होगा तो कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, और नहीं तो क्या करो, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। क्या करना है, रिप्लेस कर देना, ठीक है। यही मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया कि क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट में पहला स्टेप क्या है, रिप्लेस बैटरी बाय इट्स बैटरी बाय ए कंडक्टिंग वायर इफ इट इज एन आइडियल, और इफ इट इज नॉट एन आइडियल देन रिप्लेस बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने दोनों डायग्राम के साथ आपको दिखा दिया। दूसरा स्टेप क्या है, रिप्लेस कैपेसिटर बाय ओपन स्विच, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, सेकंड स्टेप क्या है, रिप्लेस रिप्लेस कैपेसिटर कैपेसिटर बाय एन ओपन स्विच एंड फाइंड आर आर इक्विवेलेंट across its both the plate its terminal, ऐसे बोल सकते हैं its terminal, ठीक है। अब देखो क्या है, ये सर्किट मैंने सिंपल एग्जाम्पल ले लिया, देखो ध्यान से, यही सर्किट क्या है। तो पहला स्टेप क्या है, हमने अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो दोनों एक साथ करेंगे। तो यहां हमने क्या किया है, ये सर्किट में मैंने ये बताया फर्स्ट केस में क्या था, देखो फर्स्ट केस में ऐसे सर्किट था, यही था फर्स्ट केस में। तो अब हमने क्या किया, यहां कैपेसिटर
कैपेसिटर ए टर्मिनल ए और ये हमने बी मान लिया, जैसे यहाँ हमने क्या माना है ए और ये क्या मान लिया बी। हमने क्या किया, कैपेसिटर को ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, ये क्या हुआ आर वन और दिस इज नथिंग बट दैट, ठीक है। ये आइडियल बैटरी के लिए, फॉर आइडियल बैटरी के लिए। अब क्या करना है मुझे, आर ए बी निकालना था। देखो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि ये दोनों क्या होंगे, सीरीज पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं आर ए बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं आर वन आर टू अपॉन क्या होगा आर वन प्लस आर टू, ये इस केस में आएगा। दूसरे केस में यदि आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यदि इस आई मीन इस केस को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया आर, है ना, ए आर वन अगेन ए आर, आर वन आर टू और अगेन यहाँ क्या करना है आपको ओपन कर देना है, ए एंड ए मिला और ए बी मिला। अगेन यहाँ जब आर ए बी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये सीरीज में है तो आर वन प्लस आर इंटू क्या होगा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस क्या हो जाएगा आर, ए आर मिल गया। अब हमने क्या किया, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद कुछ नहीं करना है। यूज क्या है, थर्ड जो स्टेप है क्या है, यूज यूज टाउ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू क्या होगा सी, आई मीन टाउ इक्वल टू आर ए बी इनटू क्या होगा सी। अब जैसे ही ये मालूम चल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, टाइम मिल गया, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, देखो यूज फॉलोइंग फॉलोइंग इक्वेशन टू क्या होगा कैलकुलेट चार्ज। देखो तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा क्यू नट। अब स्टेडी स्टेट चार्ज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, तो क्या लिखेंगे वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या लिखेंगे टाउ। तो यही क्या है, सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको जब भी सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, ये मेथड जो है आपको, इतने मेथड आपको हमेशा क्या करना है, यूज करना है, तभी आप सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। अब देखो देखो केवल याद रखना है कि सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि जो कैपेसिटर सीरीज इक्वेलेंट जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही रेजिस्टेंस पैरेलल इक्वेलेंट कैलकुलेट कर सकते करते हैं, और कैपेसिटर पैरेलल जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही रेजिस्टेंस क्या है सीरीज कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसको यूज करना, अगेन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी इसको हम पढ़ेंगे लेकिन उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल देखूँ, सिंपल एग्जाम्पल देखो, ये आर दिस इज आर दिस इज क्या है सी, ये सी है ये भी है, बैटरी आइडियल है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड, देखो ध्यान से क्या पूछा गया है कि फाइंड चार्ज चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर एट एनी टाइम क्या है एट एनी टाइम टी। अब देखो ये एक ही स्टेप है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि किसी टाइम टी क्या होता है क्यू टी इक्वल टू क्या होगा क्यू नट इन टू वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या होगा, यही कैलकुलेट करना है आपने, बस हो गया, एक ही फार्मूला माइंड में रखना है। ये चार्ज क्या है, स्टेडी स्टेट चार्ज, स्टेडी स्टेट चार्ज, दिस इज नथिंग बट द टाइम आई मीन कैपेसिटिव कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है, और दिस इज नथिंग बट द चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम क्या है एनी टाइम, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब अपने को पहले हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लें, तो क्या क्या बताया था जल्दी बताना, एक स्टेप में क्या बताया था कि रिप्लेस बैटरी बाय कंडक्टिंग वायर और कैपेसिटर बाय क्या है ओपन वायर, एक ही बार में हम यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टा, तो सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। देखो इधर कंडक्टिंग वायर आर आर, फिर यहां हमने क्या किया, ओपन कर दिया, ए एंड ए मान लिया, दूसरा एंड बी। इसको सर्किट ड्रॉ करोगे तो देखो ए आर ये दोनों कुछ ऐसे हो जाएंगे, है ना, और ए एंड बी, ए आर आर क्या होगा, आर बाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू आर बाई क्या मिनट, तो टाव इक्वल टू क्या होगा, आर सी बाई क्या होगा, टाइम कांस्टेंट मालूम चल गया, टाइम कांस्टेंट क्या हो गया मालूम चल गया। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, स्टेडी स्टेट चार्ज, क्या करना है आपको, स्टेडी स्टेट चार्ज। तो थर्ड देखो क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ क्या है, क्यूनेट। अब क्यूनेट में क्या करना है, आप क्यूनेट कैलकुलेट करने वक्त क्या है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव करेगा बताओ, कैसे बिहेव करेगा, कि कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ओपन स्विच, क्या होगा, ओपन स्विच की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, कि सर्किट ऐसे होगा, या हमने ओपन स्विच का मतलब देखो, हम सर्किट इसी में रहने दे रहे हैं, इधर क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, करंट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इधर से जो करंट जाएगा वही क्या होगा, इधर यही होगा ना, ठीक है इधर। अब देखो ये और ये सीरीज में हो गया, अभी ऐसे मान लो, चाहे आपको लग रहा है तो आप छोड़ दो, इसको हटा दो। अब देखो तो ये और ये सीरीज में हो गया, तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी, ये कितना हो जाएगा, एक सर्किट जब ड्रॉ करोगे ये क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, ये भी हो। तो आई आपको मालूम चल गया, आई मालूम कितना, आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन कितना हो जाएगा, टू आर, ओम्स लॉ के अनुसार। अब यही करंट देखो, अब आप फिर से रीड सर्किट ड्रॉ कर देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब किसी टाइम स्टेडी स्टेट का क्या है सिचुएशन, जब आप ड्रॉ ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ए आर ए आर ए बी ए सी है, इवन तो देखो सर्किट में है लेकिन उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, इधर क्या हो गया, जीरो हो गया, इधर से कितना करंट आ रहा है, वी बाई टू आर, ए आर हुआ, इधर से भी कितना करंट जाएगा, वी बाई टू आर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो तो इसके अक्रॉस जितना होगा, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में है ना, क्या है देखो ये वाला रेजिस्टर और ये क्या है पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप वी सी के अक्रॉस होगा उतना ही क्या होगा इसके अक्रॉस होगा, तो हम लिख सकते हैं वी सी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू क्या होगा आर, और लिख सकते हैं वी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन टू आर इंटू आर, आर आर कैंसिल हो गया था, कितना होगा। अब देखो स्टेडी स्टेट वोल्टेज मालूम चल गया कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब जब मालूम चल गया था स्टेडी स्टेट चार्ज भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं देखो, तो अब क्यूनट इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू वी सी, सी कितना होगा देखो तो वी सी बाई क्या होगा, अब हम चार भी लिख सकते हैं, वी सी बाई क्या होगा, टू इंटू वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यही क्या हुआ किसी टाइम क्या हुआ चार्ज, मालूम चल गया आपने को किसी टाइम कैपेसिटर पे क्या होगा कितना चार्ज होगा, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली क्या होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में आपसे स्टेडी स्टेट चार्ज पूछा जाएगा, और क्या पूछा जा सकता है, ग्राफ देखो कुछ आपको हो सकता है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वी इक्वल टू आई आर यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन सिंपल सिंपल इसलिए प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं क्योंकि जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो कहीं भी सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ होगा
और वहाँ आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि आप क्या करो उस कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट चार्ज कितना होगा, इसको आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इससे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है।